फिर से हिंदू और मुसलमान की बात आज आ गई है अभी, और अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी लीगल पॉइंट्स भी है और उसको फॉलो करना सबका काम है आई थिंक, क्योंकि ये जो समस्या है ये सिर्फ कोरोना वायरस जो भी समस्या है सिर्फ भारतवर्ष का तो नहीं है, पूरे दुनिया भर में वो समस्या है, और इसको लेके अलग से बहुत बात हो सकती है, मैं बहुत इस पे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सबसे गुजारिश जरूर करूंगी, नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं इन कॉन्ग्रीगेशन, वो उसकी बरकत उसका अहमियत ज्यादा है, वो कहा गया है ये तो है, लेकिन समय को देख के क्योंकि सबसे करीब अगर अल्लाह है वो तो मेरे अंदर है, अगर श्री रामचंद्र की मैं बात करूं मैं बाहर क्यों ढूंढने जाऊं, मैं जिनको भी मानू वो तो मेरे अंदर है, मैंने उनके बारे में सोचा और वो है, सोच में ही तो सब कुछ है, तो कम से कम कुछ दिनों के लिए जब तक ये पार नहीं होता है ये सब, क्योंकि देश का जो रूल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा, आज अगर हम लोग बात नहीं करेंगे इसके बारे में तो फिर वो जो भारतवर्ष की एक परिचय है वो खत्म हो जाएगी, मेरे जो पूर्वज है श्री रामचंद्र अगर है या भोलेनाथ है या हिंदुइज्म की बात है, उनको तो मुझे मेरे अंदर मेरे गीतों में मेरे संस्कार में सब कुछ मुझे जीवित रखना है, वो मेरा कल्चरल आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपना आपको मैं नीचा दिखाने लगूं या आपके बारे में बुरा बोलने लगूं या आपके पूर्वज के बारे में मैं बुरा बोलूं, वो नहीं है, लेकिन इसमें और एक बात आती है, जब मैं ये ट्रैप महसूस करूंगी ना कि मैंने आपके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जी भी वो पूर्वज ही है, रामचंद्र जी भी पूर्वज ही है मेरे लिए, और उन्होंने बहुत कुछ बोल के गए, लेकिन क्या उनको फॉलो करके सब कुछ हो रहा है, बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, नबी जी कुछ खुद जो बोल के गए बहुत सारे लोगों को आई थिंक वो गैप एक है जो हम आज धर्म गुरुओं के माध्यम से हम बहुत कुछ अलग से एक धर्म को देखने की प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत लोगों के पास हमारे पास वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो या अलग धर्म हो, जो एडुकेशन नहीं है, जो पढ़ लिख नहीं रहा है या फिर क्या लिखा है वो समझ नहीं पा रहा है, तो उनके लिए तो वो धर्म में जो भी है जो मौलाना जी ने कहा या फिर हमारे साधु संत ने समाज ने आके हमको जो कहा हमारे लिए तो वही सच हो गया, लेकिन उसमें एक राजनीति ये भी हो सकती है कि हो सकता है उन धर्म गुरुओं के उद्देश्य अलग हो, आपको जो बोला जा रहा है उसमें सच्चाई कितनी है झूठ कितनी है आपको पता नहीं, आप तो एकदम साधारण आप सिंपल है नेव है एकदम, तो लाइन्स के पीछे के मकसद को देखना बहुत जरूरी है, वही अध्ययन है, जो आज इंदौर में जो देखा गया ना कि जो डॉक्टर्स गए थे उनके ऊपर पथराव करना, ये गलत हो रहा है, ये गलत क्या होगा ना जो जनरलाइज हो जाएगा उनके मतलब एक ने कोई गलती क्या होगा उसके चलते एक जनरलाइज हो गया कि असल मुस्लिम समुदाय ऐसा है, तो वो और तनाव बढ़ जाएगा, क्या आप लोग चाहते हैं, क्या हम मुंबई में जो हिंदू मुस्लिम रायट हुआ था फिर बाबरी मस्जिद और वो सब हम लोग स्कूल में थे, क्या वो माहौल वापस हम लोग चाहते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं होगा ये जान लीजिए, हम आम लोग उसमें फंसेंगे, आम लोग भुगतेंगे, आम लोग ही मरेंगे और किसी को कुछ नहीं होता है, तो अपना दिमाग है ना, नबी जी ने खुद कहा है, मैंने पढ़ा है ये कहीं पे कि आपका जो दिमाग है उसको यूज करना है, सबका सुनिए, लेकिन वर्तमान जो समय है उसमें प्लीज अपने घर में रहिए, अपने परिवार को बचाइए पहले, किसी का सुन के नहीं, अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, और बस एक साथ मिलके आगे बढ़ेंगे ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इस पर शक मत लाइए कि ये इस देश में अभी मुस्लिम्स को, हाँ थ्रेट है सब जगह है, दोनों तरफ से है ये, नहीं तो निर्भया की जो रेपिस्ट है वो लोग तो सब हिंदू थे, क्या हमारे भारतवर्ष के कानून ने उनको छोड़ा कि ये हिंदू थे उनको बचाया जाए, नहीं छोड़ा, तो इसमें बहुत शक नहीं किया जाए, अच्छा और बुरा सब जगह है, तो उस पॉलिटिक्स को समझना है थोड़ा सा, पॉलिटिक्स मतलब मैं सरकारी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, एजेंडा प्रोपेगेंडा और सब जो आम लोगों के बीच जो पॉलिटिक्स है उसको समझ के चलिए प्लीज, नहीं तो सब कोरोना जीत जाएगा, फिर हम लोग हारेंगे, ना हिंदू बचेंगे ना मुस्लिम बचेंगे, कोरोना की जीत होने वाली, ये चाहते हैं कि हम लोग जिंदा होंगे तब तो आगे बात करेंगे, सलाम गाना चाहती हूँ, मुझे सलाम गाने की इजाजत दीजिए, Thank you.
আল্লাহর হুকুম করো পালন ও মুমিন ভাই, ভূতল ফুল হাদিস কোরআন ও মুমিন ভাই, হে ফুলের মালা গাথু আহা মুমিন ভাই, ও একে গলে একে লগে ও মুমিন ভাই, মুস্তফা খেরুল song.